आप एक बिजनेस ओनर है या डिजिटल मार्केटर, लोकल एसईओ पर काम करते हैं या गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजमेंट के काम करते हैं, तो उस स्थिति में साइटेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और इसको लेकर के हमने कई मेजर साइटेशंस क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो जा करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मेजर साइटेशंस में एक कदम आगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट साइटेशंस क्रिएट करने के लिए बात करेंगे हम लोग, उस चीज को समझेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे भी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गूगल मैप साइटेशंस क्या होता है, वो हमारे लोकल एसईओ को कैसे बूस्ट करने में हेल्प करता है, उसकी क्या स्टेप्स है, किन किन वेबसाइट की सहायता से हम गूगल मैप पे साइटेशंस क्रिएट करते हैं, तो इसके बारे में तमाम जानकारी हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपको अंत तक बने रहना होगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस तमाम स्टेप्स को एक एक करके देखने की जरूरत होगी, तब जाकर के आपका जो गूगल मैप साइटेशंस क्रिएट होगा वो आपके लोकल एसईओ को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके भी जाइएगा। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे और इस चीज को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम बात कर रहे थे गूगल मैप साइटेशंस की। तो आपके सामने एक्चुअली में ये जो दिख रहा है आपका सर्कुलर, ये आपका गूगल मैप साइटेशंस है। ये आपको ये सर्कुलर है, कोई आपको स्क्वायर शेप में या आपका डायगोनल हो सकता है, लेकिन मेन समझने वाली बात है कि ये जो एक एक पॉइंटर आपको दिख रहा है, एक एक पॉइंट जो क्रिएट हुआ है, ये एक एक कीवर्ड के लिए क्रिएट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अब इतने सारे जो पॉइंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, ये क्या एक एक करके क्रिएट करना पड़ेगा या आप टूल की सहायता से एक बार में अनेकों भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये जो गूगल मैप साइटेशंस है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे एक बार में क्रिएट करेंगे। तो मेनली हम लोग इस गूगल मैप साइटेशंस को ही क्रिएट करने का इसमें बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि एक एक पे आपका पूरी जो भी कीवर्ड है उस कीवर्ड पे रहेगा, डिस्क्रिप्शन में आपकी जो भी बिजनेस है उसका डिस्क्रिप्शन आप दे देंगे। तो कुल मिलाकर के इसी चीज को क्रिएट करने के लिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये क्रिएट करने से पहले की आपकी तैयारी क्या रहेगी, अब मैं वो बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप नोट पैड में आप ये बना लें। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने यहाँ बिजनेस नेम में लिख दिया है गुड्स ऑफ अकेडमी, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसकी वेबसाइट, उसकी ईमेल आईडी और उसकी कीवर्ड्स, जिस कीवर्ड्स पे हमको बनाना है। हमने यहाँ 6 लिया है, आप चाहे तो 10, 15, 20 भी ले सकते हैं, जितना कीवर्ड पे आपको बनाना है। इसके अलावा आप जो डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन गूगल से उठाएं या खुद से गूगल से, यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो डिस्क्रिप्शन लिखा है वो भी लिख सकते हैं या कुछ अदर भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी जो सोशल मीडिया साइट्स है उसकी जो लिंक है वो भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये डिस्क्रिप्शन कम्प्लीट रूप से उस बिजनेस प्रोफाइल के लिए आप एक जगह रख लें, यानी कि अपने नोट पैड में। अब आ जाइए अपने गूगल पे और यहाँ सर्च कीजिए गूगल माई मैप। आप इंटर करें, जैसे इंटर करेंगे तो आप यहाँ देख रहे होंगे गूगल माई मैप्स का यहाँ पे लिंक ऊपर वाला है या नीचे वाला, गूगल माई मैप तो दोनों मिला जुला के वहीं ले जाता है। तो mymaps.google.com की हम बात कर रहे हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, हम दो मैप्स क्रिएट भी किए हैं, तो ऐसा आ रहा है। आप यदि चाहेंगे तो आपका ये क्रिएट होने के बाद ऐसा दिखेगा जब आप बनाएंगे, फिलहाल ऐसा नहीं होगा। जैसे ही लॉगिन करके आप आएंगे तो ये आपके ऑप्शंस दिखेगा, सिर्फ ये नहीं रहेगा और यहाँ दिखेगा क्रिएट ए न्यू मैप। तो आपको करना क्या है, हमको क्रिएट करना है नया मैप। तो चलिए, यानी कि आप लॉगिन कर लिए, बना भी लिए और आपको यही बटन दिखेगा, इस पे जस्ट क्लिक करना होगा। अब यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्रिएटिंग ए माई मैप्स मैप ऑलवेज अपलोड्स टाइटल थंबनेल एंड एसोसिएट मेटा डाटा टू ड्राइव, यानी कि ये सब ड्राइव पर ही जाता है, ये इसका कहना है। तो हमको आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो लर्न मोर करें, नहीं तो सिंपल क्रिएट बटन पर क्लिक करें। तो हमने जस्ट क्रिएट बटन पर क्लिक किए, अब ये जो हमारा ऑप्शंस खुल गया, ये ऑप्शंस खुल गया हमारा गूगल मैप साइटेशंस को क्रिएट करने के लिए।
अब यहाँ पे हमें ये जो सर्च बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ उस बिजनेस के नाम को सर्च करना है। तो सिंपल आप कीजिए क्या क्या कि बिजनेस के नाम को कॉपी कर लीजिए जैसा भी है और यहाँ पे सर्च कर दीजिए। जैसे सर्च करेंगे तो आपको नीचे में आ जाएगा, जैसे मेरा नीचे में आ गया, इस पर जस्ट हमने क्लिक किया और उस पॉइंट पे ये पॉइंट हो गया, यानी कि जहाँ मैप पे आपका इंडिया में है, पाकिस्तान में है, आपका इंग्लैंड में है, सऊदी अरेबिया में, जहाँ का होगा उस लोकेशन पे मैप कर जाएगा और उसका यहाँ आपको डिटेल भी दिख जाएगा, यानी कि उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी आपका वेबसाइट और अदर भी आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि आप गूगल मैप पे भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि जब ये आपको दिख जाएगा तो नेक्स्ट आपको जो स्टेप करना है वो करना है ऐड टू मैप। ठीक है, तो जैसे ही ऐड टू मैप पर आप क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे देखेंगे कि ऐड हो चुका है और यहाँ भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ ऑप्शन आता है स्टाइल का, इस स्टाइल का काम है कलर करना। यहाँ ब्लू है, आप चाहे तो कोई दूसरा भी कलर कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं येलो करना तो सिंपल हम यहाँ पे येलो पर क्लिक कर देंगे, या ये हम बैगनी चाहते हैं तो बैगनी पर, जो कलर चाहते हैं वो कलर पे आप क्लिक कर दीजिए। तो पहला ऑप्शन का काम हो गया आपका स्टाइल का। दूसरा है एडिट पर, जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो लिखा हुआ आ रहा है, जैसे हम इस पर क्लिक किए तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल आ रहा है। अब इस पर देखिएगा ऊपर में आपका नाम आ रहा है, तो जस्ट हम आपको दिखा देते हैं इधर व्हाट्सएप एकेडमी। ठीक है, अब यहाँ पे यदि चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन दे दें। अब डिस्क्रिप्शन के लिए आप कंप्लीट यहाँ से आप उठा करके पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जस्ट सेव बटन पर क्लिक कर दिया। तो इस प्रकार से देखिए वो डिटेल हमारा यहाँ आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ऐड इमेज और वीडियो, ये आप कर सकते हैं। तो हमने इमेज पर क्लिक किया और यहाँ पे आ गया हमारा ब्राउज बटन। अब यहाँ पे वीडियो अपलोड कीजिए या इमेज अपलोड कीजिए, ब्राउज बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप चले आइए डेस्कटॉप पे, और इसके बाद आपको मिलेगा लोगो या आपका कोई फ़ोटो, उसको सेलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। हमने लोगो को सिलेक्ट किया व्हाट्सएप एकेडमी का, आप देखेंगे कि वो लोगो यहाँ आ गया है। अब यहाँ हमने सेव बटन पर क्लिक कर दिया, तो इसके लिए हमने फोटो ऐड कर लिया जी। अब ये आपका डायरेक्शन है, तो ये चीज़ पर हम लोग आगे बात करेंगे। और ये डिलीट करने के लिए तो प्लेस अभी हमको डिलीट नहीं करना, हम तो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं यहाँ पे अनटाइटल्ड लेयर लिखा हुआ है, इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लेयर अनटाइटल्ड लेयर लिखा रहा है, यहाँ पे आप लिख देंगे बिजनेस का नाम जो भी है, जस्ट कॉपी कीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा ताकि हूबहू आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका यानी कि जो नाम है वो व्हाट्सएप एकेडमी यहाँ हो चुका है। ठीक है जी, अब हम लोग को करना क्या है कि इसके लिए हमको अब साइटेशंस क्रिएट करनी है। अभी हमने यहाँ प्लेस ऐड कर लिया है, ठीक है, तो अब इसके लिए हमको करना होगा ऐड ए लेयर। अब इस लेयर पर हमने किया क्लिक। अब जैसे लेयर पर क्लिक करेंगे तो आप यदि मैनुअली बना सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे टूल के थ्रू, तो इंपोर्ट कराना होगा। इंपोर्ट करने से पहले उसको क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए क्या करना है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं सर्किल जनरेटर। तो सर्किल जनरेटर हम सर्च किया और यहाँ पे हमको जो पहली यहाँ दूसरी वेबसाइट है इसके थ्रू हम लोग करेंगे सर्किल, यानी कि ऑस्कॉट मुरे डॉट मी पे, तो इस पर जस्ट क्लिक करेंगे और उस वेबसाइट पर हम लोग चले जाएंगे। ये फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको अपनी डायमेंशन डालने की ज़रूरत है। तो ये कहाँ मिलेगा सर, तो देखिए जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, पहले भी आपको यह दिख रहा होगा, जस्ट नीचे यहाँ पे आपका उसकी डायमेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स उसका, यानी कि जिसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बोलते हैं। तो इसको जस्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पे आ करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेंटर पे डाल दिए। अब कितने किलोमीटर के दायरे में करना है, तो सपोज डेट हमने कहा कि हमको चाहिए 5 किलोमीटर के दायरे में, तो 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे किलोमीटर ले लिए। तो ये जो सर्किल बनेगा आपके सेंटर पॉइंट से 5 किलोमीटर चारों तरफ बनेगा। आप चाहते हैं कि नहीं 5 किलोमीटर बहुत हो गया, तो आप 2 किलोमीटर रखिए, 2 किलोमीटर रखें। इसके बाद आप यहाँ पे मल्टी ज्योमेट्री ये आप रखेंगे या पॉलीगॉन रखेंगे, लाइन स्ट्रीम रखेंगे, हम मल्टी ज्योमेट्री से आपको बता रहे हैं।
इंक्लूड सेंटर, आप उसके बाद हमको इसको टिक कराने दे या हटा भी सकते हैं, सेंटर को नहीं रखना है तो हटा दीजिए और जनरेट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके वो जो पॉइंट्स है यहाँ पर 360 क्रिएट हो चुका है, आपकी जो उसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो कि आपके पॉइंट को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो आप यहाँ देखेंगे मेन चीज़ आपका ये है, तो इसको जस्ट क्या करना है, आपको कर लेना है कॉपी, यहाँ से कर लिए कॉपी। अब आपको चलना होगा गूगल शीट पे, तो हमने यहाँ गूगल शीट ओपन कर लेते हैं और एक ब्लैंक शीट भी ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ ब्लैंक शीट ओपन कर लिया और जस्ट जो हम कॉपी किए हैं यहाँ पेस्ट कर दिए। अब चूंकि जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो पूरा का पूरा कहानी जो है ये टोटल पॉइंट का एक ही साथ है, तो सबसे पहले हमको अलग करना होगा। तो अलग करने के लिए इस सेल को सिलेक्ट कीजिएगा और डाटा में जा करके यहाँ पे स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉमा के आधार पर ये अलग कर देगा। अब आपको क्या करना है, इसको पूरे को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आप आकर के राइट क्लिक कीजिए और यहाँ आपको पेस्ट करना है, तो पेस्ट स्पेशल में जाइए और ट्रांसपोज पर क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या हुआ कि जो कॉपी था हॉरिजॉन्टल में ये वर्टिकली पेस्ट हो गया। अब ये जो दो सेल है ना इसकी अब हमको ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं, सॉरी दो रो, पूरा रो को, तो रो डिलीट कर दिए। आप ये जो ऊपर दिखा रहा है एक कोऑर्डिनेट इसको भी आप डिलीट कर दीजिए और एक नीचे भी सिंगल होगा, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चाहिए, तो हमको ये एक लैटी और एक लॉन्गी एक एक रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने उसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ देखेंगे कि ये 360 पॉइंट क्रिएट किया है, यानी कि आप देखेंगे यहाँ वन है और यहाँ पे आपका आ गया 360। इसको जस्ट आप कॉपी कर लीजिए और एक अपना एक्सेल फाइल बनाइए, इसलिए एक्सेल फाइल बनवा रहे हैं ताकि उसको हम आसानी से अपलोड कर सकें। हमको एक ले लेते हैं ब्लैंक और यहाँ पे हमको लिखना होगा, जस्ट हम कॉपी कर लिए इसको पेस्ट कर दिए, नेम डिस्क्रिप्शन एंड लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है, ये चार चीज़ लिखना होगा। अब नेम वाले सेक्शन में जो हम यहाँ पे सीट में बनाए हैं ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तो ये चीज़ जो है हमें रखना होगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में, नेम वाले सेक्शन में हमें कीवर्ड रखना है, यानी कि ये जो हमारा कीवर्ड है इस कीवर्ड को हमने जस्ट कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे ये चीज़ हमारा पेस्ट हो गया। अब यहाँ से जस्ट ड्रैग करें तो बारी बारी से सब आ रहा है और कितना करना है हमने आपको बताया है 360। तो एक नंबर पे हमने टाइटल वगैरह लिख लिए हैं यानी कि नेम डिस्क्रिप्शन, तो 360 और प्लस एक इन 361 तक हम लोग इसको फिल करते हैं, तो 361 तक हमने यहाँ पे फिल कर लिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक कीवर्ड मेरा फिल हो चुका है। अब हमारा जो यहाँ पे जो क्रिएट किए हैं ये इंसर्ट किए हैं हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसको जस्ट हमको क्या करना है कॉपी कर लेते हैं, यानी पूरा ये मेरा सेलेक्ट हो गया है, जस्ट हम कॉपी किए और यहाँ एक्सेल शीट में आ करके इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये किसी में लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड किसी में हम इसी में पेस्ट कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड में, तो जस्ट हमने यहाँ पेस्ट कर लिया। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये तमाम चीज़ें जो लिखे हैं उसका नाम एनएपी और डिस्क्रिप्शन इसको कॉपी कीजिए और इसको यहाँ डबल क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब ये आपका पेस्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ताकि आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्पेस। तो इस प्रकार से ये एक सेल में यानी कि पहली रो में इंसर्ट हो चुका है। अब लास्ट रो तक करना है, तो आप क्या कीजिए कि उसे सिलेक्ट है और नीचे ले जाइए स्क्रॉल करते हुए और यहाँ शिफ्ट दबा करके इंटर कीजिए, कंट्रोल डी दबा दीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पेस्ट हो गया हर सेल में यानी हर रो में आ गया, तो हर कीवर्ड के साथ आपका ये काम हो गया। यानी कि देखिए कुल मिलाकर के हमने किया क्या, नाम में कीवर्ड रखा, डिस्क्रिप्शन में आपके जो भी डिटेल है वो रख लिए यानी कि उसका बिजनेस का नाम एड्रेस फ़ोन नंबर वेबसाइट ईमेल डिस्क्रिप्शन तमाम चीज़ें, इसके बाद लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड वाले पार्ट में आप उसको डाल दीजिए और इसके बाद इसको कर लीजिए सेव।
और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और यहाँ इसका नाम लिख देते हैं गुड सॉफ्ट एकेडमी एंड यहाँ पे कर लिए सेव। तो डेस्कटॉप पे हमने सेव कर लिया, इसका काम हो गया ख़त्म, इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है। अब हमें करना क्या है कि अब आ गए अगेन हम गूगल माई मैप पे, तो यहाँ क्या करना है, आपको इम्पोर्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ ब्राउज पे क्लिक करनी है। इसके बाद डेस्कटॉप पे हम सेव किए थे गुडसॉफ्ट एकेडमी नाम से एक्सेल वाला, तो ये हमने एक्सेल वर्कशीट को सिलेक्ट किया और ओपन किया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये अपलोड हो रहा है और ये अपलोड हो गया। यहाँ नाम है, डिस्क्रिप्शन है और आप देखेंगे कि हाईलाइट नहीं हो रहा है। यहाँ लैटिट्यूड भी करें तो चूंकि इसमें वैल्यू है हमारी, तो जस्ट एक बार अनसेलेक्ट करके सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। मैं अब आपको बता दूं कि वो जो पहले हम डाले हैं वैल्यू, उसमें पहले लैटिट्यूड है फिर लॉन्गिट्यूड है, तो यानी सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यदि इसको करेंगे तो वो जस्ट उल्टा यानी सर्किल क्रिएट नहीं हो पाता है, तो इसको आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ नेम सेलेक्ट कर लेना है, जो कीवर्ड नेम में रखे हैं वही उस पॉइंट पर बनेगा, और देन आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है। अब जैसे ही फिनिश करेंगे देखिए लोड हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे आपका ये जो सर्किल है क्रिएट हो चुका है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे पता चल गया वीडियो एडिटिंग नियर मी करके ये आपकी वर्ड पे ये बन चुका है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये तो एक ही कलर का सब है, तो आपको यदि कलर बदलना है तो आ जाइए यहाँ पे यूनिफॉर्म स्टाइल पर क्लिक कीजिए, यूनिफॉर्म स्टाइल और नेम। जैसे नेम पर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो कलर है वो अलग अलग हो चुका है, ठीक है, यानी हर कीवर्ड जो है अलग अलग कलर का है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो गूगल मैप साइटेशंस है ये क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद इसमें डायरेक्शंस भी क्रिएट किए जाते हैं, जो लाइन भी आप क्रिएट कर सकते हैं, तो वो बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, यानी कि हमने आपको गूगल मैप वे साइटेशंस कैसे क्रिएट करना है और एक बार में एक से अधिक साइटेशंस कैसे क्रिएट करेंगे, इस चीज़ को हमने करके देखा। तो आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और उम्मीद है कि आप की यदि बिजनेस का या आपके क्लाइंट के बिजनेस का गूगल मैप पे साइटेशंस क्रिएट नहीं हुआ है तो आप डेफिनेटली एक बार जा करके उनके लिए क्रिएट करें। हालांकि ये आप इसकी संख्या हजारों में क्रिएट की जाती है, तो आप जितनी हो सके क्रिएट कीजिए और उनको इससे बेनिफिट दिलाइए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर जरूर इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।